खबर दुमका से। खबर दुमका के शिकारी पाड़ा से है। चालक को फेंक कर स्कॉर्पियो को ले उड़े अपराधी। गोड्डा से भाड़ा पर स्कॉर्पियो लेकर चले अपराधियों ने शनिवार की शाम चालक को रास्ते में बंधक बना लिया। शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर के पास चालक को घायल कर गाड़ी के नीचे फेंक दिया और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। गाड़ी लूटे जाने के बाद चालक कुंदन कुमार यादव ने शिकारी पाड़ा थाना की पुलिस को घटना की सूचना दी। गोड्डा निवासी कुंदन कुमार यादव ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि तीन लोग उसे भाड़ा पर गाड़ी लेकर दुमका के लिए चले। जब दुमका पहुंचे तो सुनसान जगह पर गाड़ी पर सवार अपराधियों ने पिस्तौल निकाल लिया और मुझे उतार कर फेंक दिया। 29 को होगी तारीख की घोषणा। जदयू ने भाजपा पर बनाया दबाव। झारखंड की दो विधानसभा सीटों पर दुमका और बेरमो पर उपचुनाव की घोषणा अब 29 सितंबर को होगी। पहले ये माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन शुक्रवार को उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 29 सितंबर को विधानसभा की 64 एवं लोकसभा की एक सीट होने वाले उपचुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी। दूसरी तरफ जदयू ने भाजपा पर दबाव बना दिया है। वह दुमका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस्तीफा देने से दुमका और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से बेरमो सीट रिक्त हुई है। हेमंत ने बरहेट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में दुमका से इस्तीफा दे दिया। ऑनलाइन राष्ट्रीय बीमा लोक अदालत में 24 वाद निष्पादित। झारखंड में दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोरोना काल में शनिवार को देश का पहला ऑनलाइन राष्ट्रीय बीमा लोक अदालत का आयोजन किया गया। दुमका के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न मामलों से संबंधित 24 वादों का निष्पादन किया गया और दावाकर्ताओं को 1.61 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। श्री शर्मा ने वर्चुअल लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए इसके आयोजन के लाभ के संबंध में विस्तार से चर्चा की। दुमका के मसलिया में बड़ी चुनावी सरगर्मी। दुमका उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। दुमका विधानसभा में मसलिया प्रखंड भी आता है, इस कारण यहां भी नेताओं का दौर लगातार जारी है। इन दिनों पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरंडी एवं झामुमो युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वसंत सोरेन लगातार मसलिया प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं झामुमो के कार्यकर्ताओं शनिवार को पंचायत अध्यक्ष रफीक अंसारी के अध्यक्षता में खोटो जोरू में, मीडिया प्रभारी जियालाल सोरेन की अध्यक्षता में घासी मारनी में एवं पवन मंडल की अध्यक्षता में गुमरो के पहाड़पुर में बूथ स्तरीय बैठक किया गया। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के तहत एवं उपचुनाव जीत को लेकर चर्चा की। खबर जामताड़ा से। साइबर क्राइम बन रही लघु फिल्म जामताड़ा ए साइबर हब। ऑनलाइन फ्रॉड के विरुद्ध हम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हजारीबाग के दारू प्रखंड में बन रही है लघु फिल्म जामताड़ा ए साइबर हब। इस फिल्म में हजारीबाग एवं दारू के स्थानीय कलाकारों के द्वारा भरपूर मनोरंजन और कॉमेडी के माध्यम से बढ़ते हुए साइबर अपराध की घटनाओं से बचने के विभिन्न तरीकों को बतलाया गया है। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के नए नए तरीकों जो चलन में आ रहे हैं उनसे ही बचने के उपायों के बारे में फिल्म में बताया जा रहा है। इस फिल्म को हिंदुस्तानी फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग जोरों से चल रही है। फिल्म के निर्माता निर्देशक एवं कहानीकार पंकज हिंदुस्तानी इससे पहले ही कई सामाजिक मुद्दों जैसे मानव तस्करी, शराबखोरी, अंधविश्वास, कोविड-19, वन संरक्षण और अन्य कई मुद्दों पर लघु फिल्म बना चुके हैं। उन्हें उनकी फिल्म कोविड-19 के लिए नवादा इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल की ओर से बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेसियों ने पीएम मोदी का फूका पुतला। शनिवार को स्थानीय सुभाष चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की अगुवाई में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कृषि बिल का विरोध किया। सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जमताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है और इसे किसी कीमत पर झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। जमताड़ा के शिक्षकों ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा आवेदन, न्याय की लगाई गुहार।
जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के सेवा मुक्त हाई स्कूल के शिक्षकों ने स्थानीय विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ माथुर के लिखित आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिक्षकों ने पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्ति रद्द होने के मामले को विधानसभा अध्यक्ष के सामने उठाया। खबर है साहेबगंज के राजमहल से। राजमहल पुलिस ने 3 किलोग्राम अफीम के साथ हमीद राजा नामक युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया है। छापेमारी में आरोपी के घर से करीब 2.44 लाख रुपए भी बरामद हुआ है। यह जानकारी एसपी अनुरंजन किसपोटा ने शनिवार को दी है। एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अफीम के कारोबार में लिप्त हैं। गुप्त सूचना पर राजमहल SDPO के नेतृत्व में पुलिस ने हसन टोला राजमहल के हमीद राजा के घर में छापेमारी की। उसके घर से करीब 3 किलोग्राम अफीम तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन और 2 मोबाइल और 2.44 लाख रुपए बरामद किया गया। गोड्डा से। गोड्डा कोविड अस्पताल में PPE किट पहनकर सफाई कर्मियों ने की महिलाओं से छेड़खानी। कोविड सेंटर में PPE किट पहनकर 2 सफाई कर्मियों ने डॉक्टर बन महिलाओं से छेड़खानी की। जांच के नाम पर दोनों की अश्लील हरकत करने पर महिलाओं ने हंगामा किया। कोविड अस्पताल में तैनात पुलिस और कर्मियों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों सफाई कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना शुक्रवार रात की है। गोड्डा में 3 करोड़ की लागत प्रधानमंत्री सड़क योजना से 4 रोड बनाने का हुआ टेंडर। यह रोड बेलटिकरी पत्थरखानी डुमरिया गोपीचक से बेलडीहा और अम्बाब थान से सुरनिया घाट गांव को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभार है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया में बताया है कि अभी तक के जांच से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के लगभग 80 छोटे बड़े अधिकारियों के संबंध में डायरी मिली है। बाढ़ से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग। खबर है ठाकुरगंगती से। बीते मंगलवार से शुक्रवार तक लगातार प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बने रहने के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। बीते 6 दिनों से लगातार हो रही वर्षा से किसान मजदूर काफ़ी परेशान है, साथ ही साथ मवेशियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। सैकड़ों मजदूर किसान दिन रात 2 समय सही ढंग से भोजन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सैकड़ों पशुओं को भी चारा नहीं मिल पा रहा है। लगातार 4 दिनों तक बाढ़ का प्रकोप रहने से प्रखंड क्षेत्र की लगभग सभी पंचायतों के कुछ न कुछ जमीन में धान की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। सबसे अधिक बर्बादी खरखोटिया फुलबढ़िया मिस्त्र गंगटी मोरडीहा चांदा चपचपरी मालमंडरो पंचायत में हुई है। यह सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। बाढ़ प्रभावितों को सरकारी मदद दिलाने को CM से मिले विधायक। खबर है गोड्डा के महागामा से। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह शनिवार को सुबह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली और महागामा विश्व क्षेत्र के मेहरमा और ठाकुर गंगटी प्रखंड के 1.5 दर्जन से अधिक पंचायतों में आए विनाशकारी बाढ़ से संबंध में अहम जानकारी देते हुए तत्काल बाढ़ पीड़ितों को सरकारी मदद दिलाने की मांग की है। शनिवार की शाम को जागरण से दूरभाषा पर इसकी जानकारी विधायक ने दी। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में जितने भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं सभी को सरकार ने मुआवजा देने का आरक्षण दिया है। इसके लिए सरकार के निर्देश पर प्रभावित क्षेत्र में सर्वे का काम किया जा रहा है। इसके साथ सरकारी स्तर पर प्रभावित परिवारों के बीच सूखा राशन तिरपाल आदि का वितरण बीते दिनों से चल रहा है। अब खबर है देवघर से। देवघर के मधुपुर में अपहृत नाबालिग लड़की बरामद, आरोपियों की तलाश जारी। छापेमारी से डरकर अपहरणकर्ता लड़कियों को छोड़कर भाग गए। 2 दिन पहले ट्यूशन के लिए निकली छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। ऑनलाइन राष्ट्रीय टाइकोंडो में देवघर के 9 प्रतिभागी लेगी हिस्सा। खबरें देवघर से। प्रथम ऑनलाइन ओपन पुमसे राष्ट्रीय टाइकोंडो चैंपियनशिप में देवघर के 9 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 4 बालिका और 5 बालक शामिल हैं। 29 से 2 अक्टूबर तक ऑडिशन टाइकोंडो संघ और भारतीय टाइकोंडो महासंघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का आयोजन जूम ऐप से जरिए किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश भर की 41 टीम से 670 प्रतिभागियों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें देवघर जिले से 4 बालिका और 5 बालक का चयन हुआ है। चयनित प्रतिभागियों में सौम्या भारद्वाज सब जूनियर वर्ग के लिए, निशु कुमारी एवं प्रीति कुमारी सीनियर वर्ग के लिए, यशराज पांडे जूनियर वर्ग के लिए, रेहान हुसैन एवं अरुण कुमार सीनियर वर्ग के लिए, चांद बाबू अंसारी सीनियर वर्ग के लिए, अमित राज
मुरमुर जूनियर वर्ग के लिए मधुपुर की एक प्रतिभागी मुस्कान कुमारी शामिल है। खबर है मुजफ्फरपुर से। न्यायिक अधिकारी को देवघर इलाके से दी गई थी धमकी, फर्जी नाम और पते पर लिया गया था सिम कार्ड। सिविल कोर्ट के एक न्यायिक पदाधिकारी को झारखंड के देवघर इलाके से मोबाइल पर फोन कर धमकी दी गई थी। कॉल करने वाले ने इसके लिए फर्जी नाम पते पर सिम लिया था। नगर थाने की पुलिस ने CDR और फेक के आधार पर आरोपित को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। दारोगा सुनील पंडित ने बताया कि जिस नंबर से धमकी दी उसका CDR निकाला गया तो पता चला कि सिम लेने की सातिर ने फर्जीवाड़ा किया है। इससे जुड़े दूसरे नंबर की जांच की गई तो वह भी फर्जी पाया गया। आरोपित का सुराग जुटाने के लिए जल्द ही पुलिस टीम देवघर जाएगी, सर्विलांस जेल से मदद ली जाएगी। 21 जुलाई को न्यायिक अधिकारी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि 20 जुलाई की दोपहर 3:08 पर अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल रिसीव करने पर फोन करने वाले ने अब दर्दता शुरू कर दी, साथ ही उठा लेने की धमकी दी। पूछताछ करने पर उसने कॉल काट दिया। दोबारा उस नंबर पर कॉल नहीं लगा। ट्रू कॉल ऐप पर भी मोबाइल धारक का नाम नहीं आया। ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों का करे सहयोग। खबर बताया जा रहा है कि पाकुड़ से है। सदर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित BRC भवन में शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय तेलिया पोखर के उप प्राचार्य डॉक्टर राम प्रवेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे व उनके अभिभावक ने हिस्सा लिया। बच्चों को ऑनलाइन क्लास से जुड़कर पढ़ाई करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उप प्राचार्य ने सभी बच्चों एवं उनके अभिभावक को ऑनलाइन क्लास से जुड़कर नियमित रूप से पढ़ने को प्रेरित किया। कहा कि ऑनलाइन क्लास के लिए अभिभावक बच्चों को सहयोग करें ताकि बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें। CBSE व आंतरिक परीक्षा होने वाले शिक्षक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़कर बच्चों को पढ़ाएं, साथ ही वे बच्चे के अभिभावक की समस्याओं से अवगत हुए। कई अभिभावक ने बताया कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। कुछ बच्चों ने बताया कि नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। घर में पढ़ने वाले बच्चे 3-4 और मोबाइल 1। वैसे उप प्राचार्य ने बताया कि छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय स्तर से शिक्षक शिक्षिकाओं की टीम उनके घर जाकर या अभिभावक अथवा छात्र छात्राओं के अध्ययन से संबंधित लिखित सामग्री उपलब्ध कराने की योजना है। BEO रघुनाथ रजक ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के महत्व से अवगत कराया। कहा कि मोबाइल नहीं है तो गांव टोले के 3-4 बच्चे शारीरिक दूरी का पालन कर एक जगह पढ़ाई करें। बैठक में शिक्षिका गुड़िया कुमारी, इंद्रजीत पोद्दार, मृणाल कांत राय, एस सोरेन आदि उपस्थित थे। अफीम के साथ एक युवक हुआ गिरफ्तार। खबर बताया जा रहा है कि साहेबगंज के राजमहल से है। राजमहल पुलिस ने 3 किलोग्राम अफीम के साथ हामिद राजा नामक युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया है। छापेमारी में आरोपी के घर से करीब 2,44,000 रुपये भी बरामद हुआ है। यह जानकारी SP अनुरंजन किस पोट्टा ने शनिवार को दी है। SP ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अफीम के कारोबार में लिप्त हैं। गुप्त सूचना पर राजमहल SDPO के नेतृत्व में पुलिस ने हसन टोला के हमीद राजा के घर में छापेमारी की। उसके बाद से करीब 3 किलो अफीम तोलने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन व 2 मोबाइल व 2,44,000 रुपया बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि बरामद नकदी अफीम बेचकर जुटाए गए थे। अफीम खूंटी जिले से मंगाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत करीब 21 लाख रुपया है। SP ने बताया कि गिरफ्तार हमीद राजा अफीम का पुराना कारोबारी है। SP ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में हमीद ने स्वीकारा कि खूंटी जिले से थोक में अफीम मंगवा कर यहाँ खुदरा में विभिन्न स्थानों पर बेचता था। SP ने बताया कि पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्राथमिक दर्ज कर छानबीन की जा रही है। मौके पर राजमहल SDPO अरविंद सिंह, राजमहल थाना प्रभारी चितरंजन कुमार मौजूद थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।